अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। आज घर में दूध, अंडे और सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर आज वही मंगवाया था, तो ये सब्ज़ी आ चुकी है और दूध वगैरह भी ले आए थे। प्रेसा के लिए दूध मैंने अलग कर लिया, तो मैंने कहा चलो उबाल लेते हैं इसका दूध और अंडे वगैरह धोकर फ्रिज में रख देंगे। गोश्त और कीमा भी सब्ज़ी मामी ने कहा मैं बना लेती हूँ, तो मैंने कहा तब तक मैं जो है और काम कर लेती हूँ, प्रेशर का मिल्कशेक बना लेती हूँ और इसके कपड़े भी इस्त्री कर लेती हूँ। सारे कपड़े इसलिए मैंने इसके कर लिए थे, कुछ रह गए थे क्योंकि ज़रा देर हो रही थी, कश्यप के स्कूल से आने का टाइम हो गया था और सालन भी बनाना था, तो बस मैंने जो इस्त्री किए हुए थे जल्दी से मैंने कहा इसको हैंगर में डालकर अलमारी में ठहरा देती हूँ और जो बाकी रह गए थे उनको तह करके वापस टोकरी में डाल के रख देती हूँ। बस फिर इस दौरान मामी ने सारी सब्ज़ी भी काट ली थी। वही सब्ज़ी मैं देख रही थी कि मटर नहीं मुझे नज़र आ रहे, मटर कहाँ हैं, तो वो गोभी के अंदर थे। कश्यप स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से कुकर में ही बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। फिर उसने स्कूल से आना होता है, फिर कुरान पढ़ने का टाइम हो जाता है उसका, तो फिर मैं कहा जल्दी जल्दी कुकर में चढ़ा लेती हूँ। चलने से शक्ल से तो बहुत अच्छा और जायके में भी बहुत अच्छा था सालन। चलो दीन के अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।